गोरखपुर आजाद चौक स्थित एक टेलर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल के दो वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन उसके पूर्व ही दुकान संचालक एवं क्षेत्रीय लोगों की मदद से आग बुझा ली गई। आजाद चौक गोरखपुर स्थित लखनऊ लेडीज टेलर शॉप में आग लगने की घटना सामने आई है। दुकान संचालक जमील खान ने बताया कि वो बकराईद पर दुकान बंद करके गए थे। आज सुबह जब वो दुकान पहुंचे तो पूरी दुकान में धुआं भरा था और उसमें रखे कपड़े जल चुके थे। हालांकि इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई और मौके पर दो दमकल वाहन भी पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही आग बुझा ली गई थी। हमारा बकरीद के कारण दुकान बंद थी और कल मैं कुछ समय के लिए आया था रात में, तो 8:30 बजे मैं दुकान पूरे होश हवास में अपनी बंद करके गया हूँ और सुबह 10:30 बजे करीबन मैं आया हूँ तो दुकान में पूरा शॉर्ट सर्किट ऐसा लग रहा है कि धुआं धुआं पूरा जल के पूरा खाक हो गया। हमारा बहुत नुकसान हो गया सर, मुझे खुद नहीं आइडिया कि मेरा कितने का नुकसान हुआ है। लगभग 50,000-1,00,000 के समथिंग मेरा कपड़े जल गए हैं सर। ग्राहकों के जो भी कपड़े रहे बहुत नुकसान हुआ हमारा। दुकान संचालक के अनुसार आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।